मेरे सभी प्यारे भाइयों को मेरा राम राम। मैं सभी को आज बताने वाला हूं कि हमने अपने ड्रैगन फ्रूट के फार्म के अंदर ये पराली का उपयोग किया है। आप देख सकते हैं हमारे पूरे प्लॉट के अंदर ये पराली हम बिछा रहे हैं। आप देखें कि काफ़ी मोटी मोटी हमने इसमें ये धान की पराली डलवाई है। इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हमने सुने हैं, जिससे कि आपकी जो मिट्टी है, मिट्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छी इससे हो जाती है, केंचुओं की संख्या इसमें बढ़ जाती है आपकी। और जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है आपका पराली से, तो पराली से आपके खेत के अंदर जो खरपतवार और जो ना चाहने वाली घासें हैं, वो आपकी जो फील्ड में हो जाती है, उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा इससे राहत मिलेगी। आपका नराव का, गुड़ाई का जो खर्चा होता है, वो आपका काफ़ी ज़्यादा बचेगा। और पराली फील्ड में बिछाने से आपके जो खेत की नमी है वो बनी रहती है, ताकि आपको पानी देने की भी इसके अंदर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पराली आप भी उपयोग करें कि इसको जलाने की बजाय आप इसका उपयोग अपने खेत में मल्चिंग करके और इसका एक सही उपयोग आप अपने खेत के अंदर कर सकते हैं। इससे हमारे खेत को जो है, हमारे जो खेत की उर्वरकता है, वो काफ़ी ज़्यादा इससे बढ़ेगी। और हमें इसका पानी के साथ जब इसके अंदर हम फील्ड में पानी देंगे, तो उसमें ये पराली धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगी, जो कि आपका एक कुछ टाइम के बाद खाद का भी काम इससे ये पराली करना शुरू कर देगी। तो इससे आपके खेत के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा फायदे आपको मिल सकते हैं। तो मैं आप सभी भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे हमने अपने इस फील्ड में इस पराली का उपयोग किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, उसी तरीके से आप भी अपने खेतों में, अगर आप ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग करते हैं, तो बीच में आप पूरे खेत में पराली का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको, जैसे कि बीच की जो अब जगह बची हुई है, इसमें आप कोई भी सब्जी, फूल, किसी भी चीज़ की आप इसके अंदर पौधे लगा सकते हैं। और उन पौधों को लगाना बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपको ज़रा सा इसको दूर करना है। और ये मिट्टी है, दिखाइए ज़रा, इसके अंदर आप अपनी कोई भी पौध लगा सकते हैं और फिर इसको ढक दें। इससे आपको कोई भी घास जो फालतू की उगती हैं वो नहीं उगेंगी, और आपका जो खेत है उसकी उर्वरकता भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने ये जो पराली बिछाई है, ये कितने महीने के अंदर गलती है, इसके हमें क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं। हमने भी ये सुना है तभी इसको बिछाया है अपने खेत में। अब इसको हम प्रैक्टिकल करके आप सभी लोगों को दिखाएंगे कि इसका उपयोग वाकई में है लाभदायक या कोई इसका फ़ायदा नहीं होता। सबसे पहले तो हम खरपतवार की बात करें, उसकी अगर इससे रोकथाम होती है, वही हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात होगी। पर जैसे कि हमने अपने खेत में काफ़ी 3-4 साल से देख रहे हैं, हमने इसके अंदर केवल गोबर की खाद का हम प्रयोग कर रहे हैं अपने खेत के अंदर, तो हमें इस साल अपने खेत में बहुत ज़्यादा केंचुओं की संख्या देखने को मिली है। तो सभी भाइयों को मेरा यही संदेश है कि आप अपने खेत की अच्छी देखरेख करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी वाली वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं। और मैं अपने पहले फील्ड के अंदर ये प्रैक्टिकल करके देख रहा हूं, और फिर आप सभी लोगों को इसका परिणाम दिखाऊंगा। धन्यवाद। Yeah, like.